स्वागत है आप लोगों को हमारा चैनल AHMJ न्यूज पर। आप लोगों को तो पता ही होगा कि देश आज़ाद होने से लेकर अभी तक किसी भी महिला को फांसी नहीं हुआ है, लेकिन अब लगेगा एक महिला को फांसी, जिसका नाम है शबनम। उसका ऐलान कर दिया गया है कि उसे लगेगा फांसी, लेकिन अभी तक डेट फिक्स नहीं हुआ है। वो एक ऐसा गुनाह किया था, वो एक ऐसा घटना किया था जिसे देखकर पूरा देश चौंक गया था। अपने प्रेमिक के लिए, अपने आशिक के लिए, अपने घर वालों को उसने कत्ल किया था। माता पिता, भाई भतीजी के साथ 7 लोगों को उसने कत्ल किया था अपने प्रेमिक के लिए, क्योंकि उन लोगों को ये रिश्ता उन्हें मंजूर नहीं था और वो प्रेग्नेंट था और इसका जन्म हुआ था उसका बेटा का जेल में, जिसका नाम है ताज। वो अपील कर रहा है सरकार से कि मेरा माँ को छोड़ दिया जाए, उसका गुनाह को माफ़ कर दिया जाए। तो जाने इस वीडियो में पूरा रिपोर्ट देखेगा आप लोग, तो देखते रहे वीडियो को अंत तक। प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही परिवार के 7 लोगों की हत्या करने वाली यूपी की शबनम जेल में अपने आखिरी दिन गिन रही है। फांसी की सजा से बचने के लिए अब वो हर पैंतरा अपना रही है। एक तरफ जहां उसने यूपी की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल के पास दया याचिका भेजी है, तो दूसरी ओर अब मां की जान बख्शने के लिए बेटा भी राष्ट्रपति से गुहार लगा रहा है। जी हां, बुलंदशहर में अपने नए परिवार के साथ रह रहा शबनम का 13 साल का बेटा ताज चाहता है कि राष्ट्रपति उसकी मां की फांसी की सजा माफ कर दें। शबनम के बेटे ने कहा, मेरी राष्ट्रपति अंकल से अपील है कि मेरी मां को फांसी ना दें, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं। और जब उससे पूछा गया कि क्या उसे लगता है कि राष्ट्रपति उसकी बात सुनेंगे, तो उसने बेहद मासूमियत भरा जवाब दिया। आपने क्या महामहिम से अपील की है और क्यों की है बेटा? मेरा नाम मोहम्मद ताज है और मैं यहाँ पे 7 साल से हूँ, और मैंने प्रेसिडेंट अंकल जी से यह अपील की है कि वो मेरी माँ को फांसी ना दें, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ इसलिए। तो क्या आपको लग रहा है कि प्रेसिडेंट सर आपकी अपील पर अपनी मोहर लगाएंगे? ये तो उनकी मर्जी है, वैसे अगर बड़े से कोई बात कहते तो बच्चों की बात को मान लेता है। ताज शायद अपनी माँ के गुनाहों की गंभीरता से अनजान है, या यूं कहें कि माँ के जघन्य अपराध की अभी उसे समझ नहीं है। वो बस अपनी माँ को जिंदा देखना चाहता है, उस माँ को जिसकी कोख से उसने जन्म लिया। दरअसल ताज का जन्म 13 दिसंबर 2008 को मुरादाबाद की जेल में हुआ था। वो 6 साल 7 माह और 21 दिन तक अपनी मां के साथ जेल में ही था। इसके बाद बाल कल्याण समिति ने साल 2015 में उसकी अच्छी परवरिश के मद्देनजर उसे बुलंदशहर के इस दंपत्ति को सौंप दिया था। तब से वो इसी परिवार का हिस्सा है। आपको बता दें कि शबनम के अपराध को बेहद जघन्य मानते हुए अमरोहा जिला अदालत ने साल 2010 में उसे फांसी की सजा सुनाई थी। इसके बाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उस फैसले पर अपनी मुहर लगा दी थी। इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2015 में खारिज कर दिया था। राष्ट्रपति ने भी साल 2016 में शबनम की दया याचिका को ठुकरा दिया था। अब देखना होगा कि क्या वाकई इस मासूम की अपील पर राष्ट्रपति गौर करेंगे, या शबनम वो पहली महिला बन जाएगी जिसे आजाद भारत में फांसी मिलेगी।